The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. कोरोना वायरस महामारी से सावधानी रखकर ही दिवाली का त्यौहार मनाएं। उज्जैन संभाग युक्त आनंद कुमार शर्मा ने सभी से की अपील। उज्जैन संभाग युक्त आनंद कुमार शर्मा द्वारा संभाग के सभी आम जनता को आने वाले त्यौहार की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से आम जन से अपील की है कि आने वाली दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते शासन द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन भी करना जरूरी है। वहीं जितना हो सके मिलना जुलना एक सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी चल रहा है, इससे सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए जगदीश परमार की रिपोर्ट। इस दीपावली पर जो कि हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, हम सभी अपने दर्शकों को, सभी नागरिकों को, सभी दोस्तों को दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं देते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में सभी प्रकार के दुखों का ऐसे ही नाश करे जैसे दीपक अंधकार का नाश करता है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये समय थोड़ा सा कठिनाई का है। आपको कोरोना नामक महामारी जो फैली हुई है उससे बचने के यत्न भी लगातार कर रहे हैं। पहली बात तो मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि पटाखों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है और प्रदूषण से वायरस को फायदा पहुँचता है। तो यथासंभव हम प्रदूषण ना फैलाएं। दूसरा, ये दीपों से स्वागत करें माँ लक्ष्मी का। तीसरा ये बिंदु है कि इस त्यौहार में हम एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम भी रखें। मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि मिलने जुलने से परहेज ना रखें, यथासंभव कम मिलें, जो बहुत ज़रूरी है वहीं पर मिलें। लेकिन जब भी मिलें तीन चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये मास्क, कि आपको मास्क हमेशा लगाए रहना है, मास्क का प्रयोग करना है। दूसरी चीज़ ये कि सोशल जो डिस्टेंसिंग है, दो गज की दूरी जिसको सभी लोग कहते हैं, तो दो गज की दूरी बना के रखें। और तीसरी चीज़ है कि आप सैनिटाइज अपने हाथ को करते रहें, समय समय पर धोते रहें, और इस तरह हम सब मिल करके हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ स्वागत करें माँ लक्ष्मी का, और इस पर्व पर कामना करें कि वो हमें